जय हिंद साथियों, आज हम अपने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के आगामी परीक्षा के दृष्टिगत हमारा जो विषय चल रहा था मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत आज हम अपनी अगले टॉपिक को देखेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित किया गया है। यह जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भारतीय नागरिकों को कार्य क्षेत्र में उनके अनाधिकृत रूप से जो उनका शोषण होता है उससे संरक्षण प्रदान करता है। और इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति के खरीद फरोख्त को भी यही अधिकार प्रतिबंधित करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो संविधान का सेक्शन है उसमें यहां से भी प्रायः वन लाइनर प्रश्न जो है वो आते रहते हैं। और इनका थोड़ा सा अगर बारीकी से आपने अध्ययन किया है तो इसका जो जवाब है वो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या-क्या बातें कही गई हैं। और हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 23 से। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 कहता है साथियों, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से प्रतिषेध। और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अनुच्छेद 23 को जो कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से प्रतिषेध इसके अंतर्गत ये बातें बतलाई गई हैं। पुराने जमाने में साथियों, एक उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं कि एक दास प्रथा चलती थी।
दास प्रथा के अंतर्गत इंसानों को जैसे वस्तुओं की खरीद और फरोख्त होती है, क्रय विक्रय होता है वस्तुओं का, ऐसे प्राचीन काल में इंसानों का भी क्रय विक्रय होता था। इंसानों का भी वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय होता था। तो अनुच्छेद 23 जो है वो मनुष्य का जो वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल होता था, मनुष्य को वस्तुओं के रूप में जो मनुष्य की खरीद फरोख्त होती थी, उससे अनुच्छेद 23 को 23 में मनुष्य को या हिंदुस्तान के भारत के नागरिकों को संरक्षण दिया गया है। अर्थात मनुष्य की या नागरिकों की खरीद फरोख्त से संरक्षण खरीद फरोख्त से संरक्षण और इसके साथ ही जैसा कि इसमें लिखा है बलात्श्रम से प्रतिषेध बलपूर्वक जबरदस्ती, जैसे पशुओं से लोग कार्य लेते हैं वैसे उस तरीके से बलात्श्रम से प्रतिषेध, अर्थात आप इसको समझने वाली आसान भाषा में समझ सकते हैं, जबरदस्ती किसी श्रम को लेने से संरक्षण या श्रम को लेने से संरक्षण। यह बातें कहता है अनुच्छेद 23 कि मानव के दुर्वाप्यार दुर्वापार एवं बलात्श्रम से प्रतिषेध, अर्थात मनुष्य की खरीद फरोख्त जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है, और इसके साथ ही बलात्श्रम से प्रतिषेध अर्थात जबरदस्ती किसी भी तरीके के श्रम को लेने से संरक्षण। अगर वो मना कर रहा है कि ये कार्य मैं नहीं करूंगा और फिर भी आप बिना किसी पेमेंट और पैसे के अदायगी के उससे जबरदस्ती अनाधिकृत रूप से उससे श्रम लेते हैं, तो इस आधार पर इस अधिकार अनुच्छेद 23 जो है यह नागरिकों को इस बात से संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हम में से कई हमारे साथी जो है वो अपने स्नातक की कक्षाओं के दौरान, जब वो बीए बीएससी अथवा और स्नातक की जो भी डिग्रियां हैं जब वो ले रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि एक योजना उस समय उनके संज्ञान में आई होगी और बहुत से हमारे साथ इसमें भाग भी लिए होंगे और श्रमदान किए होंगे और उसके पश्चात वो सर्टिफिकेट प्राप्त किए होंगे और जिसका नाम है NSS। राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। अब अगर आप कहेंगे कि यदि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्वाप्यार एवं बलात्श्रम से बलात्श्रम नाट बलात्संग एक जो शब्द है, पहले मैं इसमें एक बार क्लियर कर दूं, यहां दो शब्द है, एक है बलात्श्रम
और एक है बलात्संग, जो बलात्श्रम है वो अनाधिकृत रूप से जो श्रम लेने की बात है उसकी ये वकालत करता है, और ये जो बलात्संग है यह महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न होता है उसमें उस आपराधिक कृत्य को बलात्संग कहा जाता है। पहले की भाषाओं में, कानून की भाषाओं में उसे बलात्कार कहा जाता था, और कानून की इस भाषा में इसको अब संशोधित रूप से बलात्संग कहा जाता है। तो बलात्संग वही है जो आईपीसी 376 में परिभाषित है। तो ये था बलात्संग और बलात्श्रम। अब यदि आप कहें कि अनुच्छेद 23 अगर बलात्श्रम से प्रतिषेध करता है या अनाधिकृत रूप से श्रम लेने में संरक्षण प्रदान करता है, तो फिर एनएसएस की जो योजना थी वो क्या थी, उसमें भी तो श्रम लिया गया था। तो अपवाद है एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो इसके अंतर्गत नहीं आती है, और एनएसएस जो है इस अनुच्छेद 23 का अपवाद है, राष्ट्रीय सेवा योजना। अब हम आते हैं अगले अनुच्छेद पर, और वह है अनुच्छेद 24। अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 24, और यह अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम नहीं, इसके बजाय आप समझिए कि 14 या 14 वर्ष से कम। अगर ये कहा जाए 14 वर्ष से कम, तो जो 14 वर्ष के रहेंगे उनका क्या, जो मान लीजिए एग्जैक्ट 14 वर्ष के हैं, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी जोखिम भरे कार्यों में लगाने से संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है कि 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी जोखिम भरे कार्यों में लगाने से यह जो मौलिक अधिकार है यह संरक्षण प्रदान करेगा। अर्थात जो बालक 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें किसी खदानों में, कारखानों या और अन्य किसी ऐसे जोखिम भरे कार्य में लगाने से यह जो अधिकार है वो संरक्षण प्रदान करेगा। और यही है हमारा अनुच्छेद 24। और जैसा कि यह मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं उसकी बात ये करता है। कि एक अनुच्छेद 23 था कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार से प्रतिषेध,
और अनुच्छेद 24 जो कहता है वह है कि 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी कारखाने, खदान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने से संरक्षण। इसके साथ ही हम लोगों ने इससे पहले चर्चा की थी संविधान के अनुच्छेद, संविधान का 86वां संशोधन, संविधान का 86वां संशोधन जो इसी से रिलेट है और इसमें भी हमने इससे पहले चर्चा की थी संविधान के 86वें संशोधन ...2002 की जो हमने चर्चा की थी उसमें भी हमने ये बताया था और हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो यही बात जो है जो संविधान के 86वां संशोधन 2002 में कही गई है 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। उसी के साथ ही अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खदान जो अथवा किसी जोखिम भरे कार्यों से संरक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें राज्य द्वारा किए गए 86वें संशोधन 2002 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये चीजें मूल विधि जब आप पढ़ेंगे तो बाल अधिकार में भी आपको यही चीज मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, प्रभुता संबंध संपन्न देश घोषित किया गया है। और आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है अनेकता में एकता। क्यों? क्योंकि भारत में अनेक धर्म, जाति और अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारा जो विषय है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और यह वर्णित है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। हम जैसे जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर लोगों का रहन सहन बदल गया है, लोगों की भाषाएं बदली हैं और इसके अलावा रहन सहन, भाषाएं, बोली और अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग भी हैं यहां। तो सारे धर्म के लोग जो यहां रहकर अपने अपने त्योहार मनाते हैं, अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं तो वो एक व्यवस्था के तहत करते हैं और जिस व्यवस्था के तहत, जिस अधिकार के तहत सारे धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं स्वतंत्र रूप से, ऐसी ही व्यवस्था का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार, और इसी अधिकार के तहत भारत में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग हैं जो अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्बाध रूप से पालन करते हैं, अपनी अपनी आस्थाओं में जो है वो विश्वास रखते हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे और कोई चर्च में जाकर अपनी अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करता है, और जिस अधिकार के तहत यह सब सिस्टम चलता है उसी अधिकार का नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो वर्णित है, इसमें हम एक एक अनुच्छेद को बारी बारी से देखते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 25 पर। अनुच्छेद 25, साथियों, अनुच्छेद 25 जो है किसी भी धर्म को मानने, उसके अंतःकरण, प्रचार एवं प्रसार, इसकी स्वतंत्रता देता है। जैसे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, कोई सिख धर्म को, कोई ईसाई धर्म को, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, इटीसी। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसको हम आइए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, प्रचार प्रसार करने एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यही बात अनुच्छेद 25 में बतलाई गई है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर, भारतीय सीमाओं के अंदर, भारतीय भूभाग में रहने वाले नागरिकों को अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। और आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की परंपराओं का पालन कर सकते हैं, उसकी परंपराओं में विश्वास कर सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें आप जा सकते हैं जिस धर्म से संबंधित हैं आप। और भारत का जो संविधान है उसमें इस बात की स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार करने की अनुच्छेद 25 आपको स्वतंत्रता देता है, और यही बातें इसमें बतलाई गई। अब आते हैं अगले अनुच्छेद पर, और जिसका नाम है अनुच्छेद 26। 25 के बाद जो अगला अनुच्छेद है वह है 26। अनुच्छेद 26। अभी तक साथियों हमने देखा अनुच्छेद 25 के बारे में कि किसी भी धर्म को, अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने एवं अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वह है अनुच्छेद 25। अब बात आती है अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, 25 में तो ये बातें बतलाई गई कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म की परंपराओं में भरोसा कर सकते हैं,
कर सकते हैं और उनका निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 26 क्या कहता है हम देखते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह बात बतलाई गई है अनुच्छेद 26 में। और इस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता में किसी भी, जैसे हम प्रायः देखते हैं कि जैसे कोई मंदिर है वो किसी ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, संस्थाएं चलती हैं जो धार्मिक कार्यों से संबंधित रहती हैं। तो जिन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे धार्मिक कार्य किसी संस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं उसी की बात अनुच्छेद 26 कहता है। और यह कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी संस्थाएं जो किसी भी धर्म से संबंधित हैं वह किसी भी धर्म को उसका प्रचार प्रसार करने या उसको पोषण देने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रताओं में अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई भी संस्था जो किसी भी धर्म से संबंधित है वह उसे संचालित करने, पोषण करने एवं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए संस्थाएं स्वतंत्र हैं। और यही बातें अनुच्छेद 26 में कही गई हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 27 पर। अनुच्छेद 27 क्या कहता है इसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई भी राज्य किसी धार्मिक संस्थाओं पर कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा, टैक्स नहीं लगाएगा जो उस धार्मिक संस्थाओं, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, जो उस धार्मिक संस्थाओं द्वारा उस धर्म के प्रचार प्रसार पोषण करने के लिए इकट्ठा की गई धनराशि जो भी निश्चित की गई हो उस पर राज्य सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। अनुच्छेद 27 हम देखते हैं कि राज्य धार्मिक संस्थाओं पर कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जो उस धर्म के प्रचार प्रसार
पोषण आदि के लिए निश्चित की गई हो। आदि के लिए निश्चित की गई हो। यह बातें जो है हमारे संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो बातें अनुच्छेद 27 कहता है वह यही कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर कोई राज्य किसी भी धार्मिक संस्थाओं पर कोई ऐसा कर नहीं लगाएगा जो उस धर्म के प्रचार प्रसार पोषण, इसमें एक शब्द और है पोषण के बाद उन्नति पोषण उन्नति आदि के लिए निश्चित की गई हो, ऐसा कोई भी टैक्स उस पर राज्य सरकार नहीं लगाएगा। यह बातें अनुच्छेद 27 में की गई हैं। और इसमें एक और अनुच्छेद है अब हम जिसकी चर्चा करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो हमारा अगला अनुच्छेद है, और वो है अनुच्छेद 28। इसकी भी हम अब चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 28 क्या है। अनुच्छेद 28 जो है वो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, अनुच्छेद 28 कहता है कि जो शिक्षण संस्थाएं स्कूल कॉलेजेस जो शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से सरकार या इसको समझ लीजिए राज्य द्वारा संचालित की जाती हैं उनमें किसी भी धर्म संबंधी कोई भी शिक्षण कार्य किसी भी धर्म संबंधी चीजों में नहीं होगा। और न ही किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए जो उस शिक्षण संस्था में अध्ययनरत हैं उन्हें बाध्य किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 28 कहता है कि जो शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से राज्य द्वारा संचालित की जा रही हैं उनमें किसी भी धर्म संबंधी कोई भी शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। और उस शिक्षण संस्थान द्वारा
किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा, यही बात है अनुच्छेद 28 में बतलाई गई है कि जो शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित की जा रहे हैं उनमें किसी भी धर्म संबंधी कोई शैक्षणिक कार्य नहीं होगा और उस शिक्षण संस्थान द्वारा किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। यह बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 28 में बतलाई गई। तो ये था अनुच्छेद 28 और ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 25 से 28। 25 में ये बातें हैं कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार एवं अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 27 कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी टैक्स किसी भी धार्मिक संस्थान पर नहीं लगाएगा जो उस धर्म के प्रचार प्रसार पोषण एवं उन्नति के लिए निश्चित की गई हो। उसके अलावा अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थाएं जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उसमें किसी भी धर्म संबंधी कोई भी शैक्षणिक कार्य नहीं होंगे, और इसके अलावा वह शिक्षण संस्थान जो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा संचालित है उसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह बातें की गई हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह हमारा अगला टॉपिक होगा मौलिक अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन चार अधिकारों को हमने पढ़ा, और जो पांचवा अधिकार है वह है मौलिक अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप एक एक मौलिक अधिकार को बारीकी से आप देखते रहें, यदि कोई बातें आपको न समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर माइक की आवाज संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको भी कह सकते हैं। किसी भी टॉपिक के संबंध में यदि आपकी मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसका जवाब जो है मैं आपको दूंगा। तो आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में जो हमारे कक्षाएं संचालित हो रहे हैं संविधान की, इसको आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन के प्रारूप को देखते रहें, एक एक टॉपिक को बारीकी से अध्ययन करते रहें, और हम अपनी अगली कक्षा में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के साथ मिलते हैं। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।